फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है डे 3 ऑफ आवर डेली व्लॉगिंग और आज है विसर्जन का दिन। आज के दिन हम करते हैं सत्यनारायण की कथा। जी हाँ, सबसे पहले तो आप लोग भी कर लीजिए पप्पा के दर्शन। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो जी यहाँ मम्मी कर रही हैं सत्यनारायण की कथा, तो उनको करने देते हैं और हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो जी सत्यनारायण की कथा करने के बाद हम आ चुके हैं ऊपर, और जैसे कि आज विसर्जन का दिन है तो विसर्जन के दिन बहुत से काम होते हैं। एक तो बप्पा घर से जा रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी होता है, दुख सा होता है, मतलब एक आदत पड़ जाती है ना। मैंने सुना था वहां पे हैदराबाद में ना, बोलते थे कि 3 साल लगातार आपको रखना पड़ता है जब आप बप्पा को एक बार अपने घर लाते हो, और 3 साल के बाद ना आपको लत लग जाती है, फिर आप चाहते हुए भी मना नहीं कर सकते कि नहीं लाना इस बार। आप अपने आप आपके कदम जाते हैं और आप लेकर के आते हो। फिलहाल मैं यहाँ कर रही हूँ तैयारी किस चीज की, एग्जीबिशन की। यार सब कुछ खुद करना पड़ता है, सपोर्ट तो कर रहे हो आप लोग, लेकिन इतना नहीं कर रहे कि मैं एक बंदा ही रख लू, सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। अब देखो फ्री गिफ्ट भी पैक कर रही हूँ, गिफ्ट मिलेंगे आपको, पैकिंग कर रही हूँ मैं, मेरे को क्या मिलेगा? ये मत बोलना पैसे मिलेंगे, इतना पैसा खर्च करके जो स्टॉल लिया उसी में सारा कुछ निकल जाना है, ठीक है ना। बट आप लोगों को एवरी परचेज पे यहाँ मिलेंगे फ्री गिफ्ट, जो कि हैं स्क्रंचीज। ये भी हमने खुद बनवाए थे, हम लोग कुछ ट्राई करना चाह रहे थे, जो वर्कआउट उतना अच्छा नहीं किया तो हमने इसे बंद कर दिया फिलहाल। वैसे ये इंस्टाग्राम पे बिके थे और जो पर्सनल ऑर्डर्स आए थे वो, इसको ज्यादा हमने पब्लिसिटी की नहीं क्योंकि हमें पता चल गया इसमें स्केल कुछ नहीं है, इतना बड़े आदमी बन नहीं सकते, ठीक है ना। तो फिलहाल ये बढ़िया बढ़िया से और सुपर गुड क्वालिटी डिफरेंट है, एक भी स्क्रंची आपको मैच करता हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको फ्री मिलेंगे। कितने पे? ₹500 की परचेज पे, ठीक है, छोटी सी परचेज, गिफ्ट छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा वाला गिफ्ट नहीं है, बट हाँ अच्छे हैं स्क्रंचीज, तो आप जरूर पसंद करोगे इन्हें भी। और अब उसके बाद क्या करना है, अब बनाना है लंच, और लंच के बाद, लंच में बप्पा के लिए आज बन रही है आलू की पराठी, और कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं क्योंकि काम भी बहुत है, तो इसलिए भोग लगेगा आलू के पराठे का दही के साथ। वाह 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 वाह। और शाम को देखते हैं कि विसर्जन के टाइम पे प्रसाद में क्या बनेगा, क्योंकि वो ये बंदा बनाता है कुछ स्पेशल। आज देखते हैं इसको टाइम है या नहीं है, क्योंकि और हाँ कुछ लोगों को लगता है कि साला वेल्ले हैं, सिर्फ इडली डोसा बैटरी बनाते हैं। नो जी, आईटी वाला बंदा है मेरा, बहुत पैसे नहीं कमाता लेकिन आईटी वाला जो पट्टे वाले कुत्ते, वही मैंने आपको बताया था, अगर आपने रील्स देखी हो तो, फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, रील्स में कभी कभी अच्छी बना देती होती हूँ, ठीक है ना। पट्टे वाले लोगों ने शादी तो कर ली मैंने, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बंदा ठीक है, ऑफिशियली किसी और कंपनी में काम करता है, सुबह से शाम तक उनका काम करता है, नहीं दोपहर से शाम रात तक उनका काम करता है, सवेरे मेरे काम करता है, बैटर पीसता है, और हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, बैटर ही नहीं बनाते हम लोग। तो अगर किसी दिन नहीं भी मिलता तो प्लीज शॉपकीपर्स को भी जाके है ना इतना वो मत किया करो, आई रियली रिस्पेक्ट यू ऑल जो हमारा बैटर यूज कर रहे हैं, बट आफ्टर ऑल हम भी इंसान है, जैसे आज के दिन हम लोगों ने बैटर नहीं बनाया, हाँ हम थक गए बहुत ज्यादा, मतलब इतना काम है अभी एग्जीबिशन को लेके, उसका अपना ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है, तो हम लोग आप लोगों के लिए ये बना जरूर रहे हैं, बट कभी कभार हमसे भी हो जाता है। वैसे हमने पिछले 6-8 महीने में कोई भी ब्रेक नहीं लिया, जस्ट एक संडे का ब्रेक हम लेते हैं क्योंकि संडे में हमारे खुद के बहुत काम होते हैं, बहुत बहुत सारे पेरेंट्स हैं हमारे पास, मैं ये बोलने लगी थी, ऐसे हैं हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास 4-4 सीनियर सिटीजन हैं, मेरे मम्मी पापा और उसके मम्मी पापा, हम चारों के साथ एक साथ रहते हैं, चारों की सेवा एक साथ कर रहे हैं, दो नाव में पैर नहीं रखे जाते, दो सिटीज में, फिर एक को देखो दूसरे को देखो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो बातें मत किया करो यार मेरे साथ, मेरे को 1 मिनट बोलो, मैं 4 मिनट बकवास कर सकती हूँ, मेरा काम रह जाएगा। अब मेरे को फटाफट से इसको पैक करना और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। लो जी, डेली व्लॉगिंग शुरू करने का सबसे बड़ा नुकसान, बंदा जब देखो मेरे पीछे कैमरा लेके पड़ा रहता है, फिर बोलता है कि 1 मिनट बोलना है, मैं 4 मिनट बकवास कर लेती हूँ, फिर कहता है ज्यादा बोल दिया तुमने। चलो खैर, शॉर्ट्स की तरह नपातुला 59 सेकंड्स तो नहीं बोलना। तो जी फिर भूल गई क्या बोलना था, हो जाता मेरे साथ, मैं भूल जाती हूँ। हाँ, फ्री गिफ्ट्स मैंने आपको दिखाए थे, उनको पैक करने के बाद हमने किया अपना लंच। पहले लगाया बप्पा को भोग, जो कि था ताजा ताजा गर्मा गर्म आलू का परांठा विद कर्ड दही, वो हमने पप्पा को भोग लगाने के बाद, यहाँ मैं अपने डाइनिंग टेबल की कुर्सी खराब करते हुए क्योंकि इस पर कोई बैठता तो है नहीं, चटनियाँ बैठी हुई हैं हमारी, खरीदना मैंने बड़े शौक से था होम सेंटर से, अमीरों वाले चर्च में होम सेंटर से खरीद के लाई थी, नए घर में लगाऊंगी, नया घर ही पता नहीं कहाँ गया बेचारा। खैर वो भी एक बहुत बड़ी, मेरी जिंदगी में स्टोरीज बहुत है, तुम मुझे ब्लॉगिंग करने की इजाजत दो, जरा मुझे वो करो
क्या कहते हैं, मेरे व्लॉग्स देखो जरा तुम्हें मैं बताऊंगी जिंदगी होती कैसी, ऐसे नीचे गिरते हैं फिर थोड़ा सा उठते हैं फिर और नीचे गिर जाते हैं। चलो खैर बताना क्या था आपको कि यहाँ हो रही है चटनियों की फाइनल पैकिंग, ठीक है जी। टेपे लग रही हैं ताकि इनके मुंह बंद कर सकूं मैं, मेरा मुंह तो कोई बंद कर नहीं सका, मैंने सोचा इसी का मुंह बंद कर दूं। माई कौन है मैं बकवास कर रही हूं, ठीक है अभी आदत नहीं है ना मुझे इसलिए। तो जी यहाँ मैं कर रही हूँ चटनियों की फाइनल पैकिंग, सी यू ऑन 24th। एटलीस्ट करनाल के लोग तो आ ही सकते हैं यार, अच्छा लगेगा आना, आकर के ट्राई करना, सामने सामने से फीडबैक दोगे, वैसे पीछे तो फीडबैक अच्छा ही आ रहा है, सामने सामने से दोगे तो और मजा आएगा, ठीक है। अब मैं मिलूंगी विसर्जन के टाइम पे, उसके बाद मेरे पे टाइम पूरी हो तो पहला ना मैं बिजी बोल बप्पा के विसर्जन का टाइम, और दुखी तो है लेकिन साथ में ये खुशी जरूर है कि बप्पा अगले साल जरूर आएंगे। करने में क्या कर रहे हो, ये चूरण बना रहा हूँ, क्या ये अनारदाना है तो जुबान चटोरी नाम है तो चाटने को भी तो कुछ चाहिए। तो जी चलो बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए एक चूरन भी, देखते हैं अगर ये बढ़िया बनता है तो फिर ये आप लोगों को ट्राई करने को मिल जाएगा, वरना हम अकेले खा लेंगे। तो जी बप्पा का किया हमने विसर्जन बहुत ही अच्छे से, बाकी घर में हम थोड़े से ही लोग होते हैं, हम उसी में करते हैं, हमारी जो पेरेंट्स हैं हम हैं और बेटी होती है, हम लोगों ने पप्पा का विसर्जन किया। इतना मेरा ब्यों तो नहीं होता कि मैं गली मोहल्ले वालों को बुला सकूं, बट हाँ जिस दिन हुआ उस दिन मैं ज़रूर बहुत ही धूमधाम से पप्पा को अपने घर पे लाऊंगी, और जो पूरे 3 दिन होते हैं या हो सकता है आगे और भी ज़्यादा हों, बट अभी तक 3 दिन हैं, मैं पप्पा को पूरी धूमधाम से पूजा करूँ। लेकिन चलो उस बात को तो वहीं वो करते हैं, विसर्जन हमने कर दिया और उसके बाद तुरंत ऊपर आके सनी लग गए काम में चूरन बनाने के, ठीक है जी। अब पहले बता दूं, क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, विसर्जन करते ही चूरन बनाना कोई रिचुअल नहीं है, ठीक है। मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, मतलब बहुत साल हो गए ना करते हुए, तो आपको एक वो होता है कि अब की बार तो मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि बहुत जल्दी नहीं हो गया विसर्जन का दिन, उनको भी अच्छा लगने लग गया है अब तो। खैर मूड थोड़ा सा साड़ी साड़ी हो ही जाता है, तो इस बंदे ने सोचा कि चलो एक वो और बढ़ा देते हैं चटनी, तो और इतनी जल्दी अब वो क्या बनाता, क्योंकि लहसुन वगैरह सब नहीं खाना था, तो बंदे ने सोचा एक नंबर ऑफ आइटम बढ़ा देता हूँ, बंदे ने चूरन बना दिया चटकारेदार एन वदिया। और पता नहीं साले ने क्या साला, वैसे बताया मैंने आपको ना हम दोस्ती है पति पत्नी वाला, तो हम सिर्फ करवा चौथ पे मिलते हैं ऐसे पति पत्नी टाइप ना, पैर पैर छू लेते हैं, तो अदरवाइज वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स वाला टाइप सी है। तो पता नहीं क्या अफीम मिलाई है इसने इसमें, मतलब शाम से जब से इसने ये बनाया है ना, ये डब्बा आधा हो चुका है, ये ऐसे इधर से देखो ये डब्बा आधा हो चुका है, पता नहीं क्या मिलाया। मैं जब ऊपर आती हूँ कोई ना कोई इसे चाट रहा होता है घर में, तो आपको ये चाटने सॉरी आपको ये टेस्ट करने को मिलेगा एग्जीबिशन में। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अभी सिर्फ एक ही दिन बचा है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि इसका स्टॉक हम लेकर जाएं और ज्यादा से ज्यादा घरों तक इस चटकारेदार चूरन को भी पहुंचा सके। वैसे ये चूरन अनारदाने का है, ठीक है दोबारा बता रही हूँ। तो अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, क्योंकि मेरे सामने अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, ऐसे मूड ऑफ करके बैठा नहीं जाता, आपको अपने काम को दोबारा से शुरू करना पड़ता है, तनख्वाह तभी मिलती है, ठीक है ना। तो पैसों के लिए बंदा करता है, अभी इतना कर रहे हैं तो फिर तनख्वाह पूरी लूंगी मैं, एक एक चीज का हिसाब लूंगी, लेबल भी मैं लगा रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ। तो अभी मैं करती हूँ अपना काम और आप लोगों से मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, है ना ऐसी बोल ओए ऐसे संभावना सेठ बोलती है, मैंने उसका चैनल ज्यादा देखती हूँ ना तो सेम वही टोन निकल गई। डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज जुबान चटोरी नॉट संभावना सेठ, उसको बहुत सब्सक्राइबर है, मेरे को सब्सक्राइब करो।